तो यहीं पर ही है दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल एंड जस्ट वेट फॉर द व्यू। सबसे बड़ी गलती जो यहाँ से डिपार्टिंग करने वाले पैसेंजर होते हैं वो ये करते हैं कि वो चेक इन क्या हुई, यानी इमिग्रेशन पास करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जुवेल में आना है। और अगर तो आप टर्मिनल 1 से डिपार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट डिपार्ट कर सकते हैं, वरना बसेज वगैरह हैं जो T2 या T3 तक लेकर जाती हैं। हलाल रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर बहुत ऑप्शंस हैं। जो ट्रांजिट एरिया है वो कैसा है और हमें क्या एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ का? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन्स पर ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर, जहाँ पर हमारा टेक्निकली कल आखिरी दिन था। जो न्यू ईयर की नाइट थी हम लोगों ने मरीना बे आइलैंड में वो स्पेंड की। बड़ा ही प्यारा ऑर्गेनाइज तरीके से एक इवेंट था, फायरवर्क्स हुए, प्रॉपर वीलॉग मैंने बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, प्लीज़ डू हैव अ लुक। आज का सफ़र हमारा वापसी सलाला के लिए है, लेकिन जाने से पहले सिंगापुर आएँ और यहाँ पर जुएल ना जाके देखें तो ये ऐसा हो नहीं सकता। जुएल एक मॉल आप समझ लें जो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल एडजेसेंट, यानी उसके साथ ही है बिल्कुल। इट्स लाइक एन ओपन शॉपिंग मॉल, एक तरफ से पूरे सिंगापुर या लोकल्स के लिए भी एक्सेसिबल है। तो सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे, चेक करते हैं अगर हम लोग चेक इन कर सकते हैं या नहीं, अपना सामान कहीं पर रखेंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर अपना सफ़र वापस सलाला के लिए करेंगे। तो लेट्स मूव, पहले हम लोग यहाँ से ट्रेन लेंगे। दो ट्रेन हम लोगों ने चेंज करनी है चांगी एयरपोर्ट के लिए, रफली 30 to 35 मिनट लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। जाने से पहले एक क्विक टूर रूम का, जो तकरीबन $100 पर नाइट का पड़ा है। ये यहाँ का फ्री मिनी बार, रूम का बेड, टेबल, दूर एक कोने में एक छोटी सी खिड़की और यहाँ का वॉशरूम। लें जी, हम पहुंच गए हैं चांगी एयरपोर्ट। फ़िलहाल टर्मिनल 2 में नहीं, टर्मिनल 1 है ये। और बैकग्राउंड पे आप देखें क्या खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया हुआ है। आई डोंट नो, ये मैं चेक करता हूँ कब बना था, बट स्टिल लुक्स लाइक कल ही इनॉग्रेट हुआ है। तो अभी देखते हैं कि बैगेज चेक इन करवाना है या स्टोर करवाना है, क्या फैसिलिटीज़ हैं। रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर जुएल। बहुत ही प्यारा एक किस्म का शॉपिंग मॉल है, पब्लिक एरिया में है, तो हम लोग इमिग्रेशन में पास होने से पहले वहाँ पर विज़िट करेंगे और उसके बाद फिर इमिग्रेशन पास करेंगे। और जुएल में ही वाकया है दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल। चेक करें ज़रा, अभी हम लोग ट्रेन से निकल के बाहर निकलें तो इट वॉज़ लाइक ड्राई एंड हॉट, और यहाँ शुरू हो गई है बारिश और वो भी तूफ़ानी किस्म वाली। तो बारिश को देख कर फिर से ये देखें 2 मिनट में क्या से क्या हो गया। तो सिंगापुर ने भले बहुत ही अच्छे वॉकवेज बनाए हुए हैं, शेडेड वन लेकिन फिर भी छतरी लेकर जाना कभी नहीं भूलना। तो ये स्काई ट्रेन्स हैं जो डिफरेंट टर्मिनल्स को इकट्ठा जोड़ रही है। हम लोग टर्मिनल 3 में हैं, तो ये ट्रेन T2 में जा रही है और ये T1 में, वन ऑफ द ट्रेन। चल रहा है जी, चल रहा है। ये देखें जी डाइनिंग ऑप्शंस, खाना तो इनकी जान है। जाना जी हमने यहाँ से, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, अभी ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। तब हमारे पास 4 घंटे के करीब है, तो फिलहाल चेक इन करवाते हैं और उसके बाद फिर आगे जुएल की तरफ निकलते हैं। पानी भी यहाँ से रिफिल कर सकते हैं अपनी बॉटल्स में। अगर तो होती ना डायरेक्ट फ़्लाइट तो सेल्फ चेक इन कर लेते हैं, लेकिन हमारी ये है एक अलायंस फ़्लाइट, क्योंकि
ओमान एयर की मेन फ़्लाइट है और जो इनकी कोड शेयरिंग है मलेशियन एयरलाइन से, तो थोड़ा सा कभी कभी इश्यूज़ आते हैं अगर ये चेक इन में, तो डायरेक्ट काउंटर पे जाके चेक इन करवाते हैं। एज एक्सपेक्टेड वही हुआ, मैंने ऑनलाइन चेक करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा कि काउंटर पे जाओ तो सी अदर किधर, क्योंकि जब भी आप कोड शेयरिंग फ़्लाइट्स लेते हैं ना तो आपको हमेशा काउंटर पे जाके ही अर्ली चेक इन करें, थोड़ा सा मसला भी हो सकता है। खवातीन हज़रात, वेलकम टू जुएल। तमाम टर्मिनल से कनेक्टेड है, जहाँ कनेक्टेड नहीं है वहाँ से बस सर्विस होती है यहाँ पर, और मुझे टर्मिनल 2 से यहाँ पर आने के लिए लगे हैं 10 मिनट। यहाँ ट्रॉलीज अलाउड नहीं है, बैग स्टोरेज के लिए दे दिए जो बिल्कुल लाइक मिनिमम अमाउंट में आप रखवा सकते हैं, अदरवाइज यू नीड टू कैरी ऑन 7 to 8 kgs ऑन योर शोल्डर्स। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, कर सकते हैं तो कर लें। तो यहीं पर ही है दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल, एंड जस्ट वेट फॉर द व्यू। हमारी ट्रेन यहाँ से गुजर के गई थी फ्रॉम टर्मिनल 3 टुवर्ड्स टर्मिनल 2। यहाँ के जो अट्रैक्शंस हैं उनकी टिकट आप यहाँ से ले सकते हैं ऑन द 5th फ्लोर। पहले कुछ खाना खाते हैं, थोड़ी एनर्जी गेन करते हैं और उसके बाद फिर इसको और एक्सप्लोर करते हैं। लेवल 5 पे मोस्टली हाई एंड रेस्टोरेंट्स और यहाँ पर की जो एक्टिविटीज़ है लाइक जंपिंग और मिरर मेज और ये वो बहुत सी दो चीज़ें हैं, एक ब्रिज भी है। हलाल रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर बहुत ऑप्शंस हैं। जनाब यहाँ पर तो आईमैक्स थिएटर भी है, वैसे मॉल है तो सिनेमा तो बनता है। ये है जी यहाँ का प्रॉपर फूड हॉल, फूड कोर्ट और सिनेमाज वगैरह सब यहाँ पर ही हैं। वी आर इन टू B1 और यहाँ पर वो लग्जरी ब्रांड्स, हाई एंड ब्रांड्स जितने भी हैं उनकी शॉप्स नज़र आ रही हैं। ब्यूटीफुल व्यू, क्योंकि हम लोग बेसमेंट में हैं तो ये यहाँ का शीशा लगा हुआ है जो पानी नीचे जा रहा है उसका, वाटरफॉल का। सम लाउंज और हम आ गए हैं लेवल 1 पे। बारिश चेक करें क्या से हम जा सकते हैं। वाह हो, तकरीबन 12 बजे आया हूँ और 12 बजे से लेकर अभी क्या टाइम हो रहा है, तकरीबन 2 बज रहे हैं और 2 बजे से इतनी तेज़ बारिश चल रही है। सबसे बड़ी गलती जो यहाँ से डिपार्टिंग करने वाले पैसेंजर होते हैं वो ये करते हैं कि वो चेक इन क्या हुई, यानी इमिग्रेशन पास करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जुएल में आना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको चेक इन या इमिग्रेशन को पास करने से पहले यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पब्लिक एरिया है और यहाँ पर आप चेक इन करवा सकते हैं अपना बैग। तो जो डिपार्ट कर रहे हैं वो पहले यहाँ पर आ सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर ही अपना लगेज चेक इन कर सकते हैं। कुछ एयरलाइंस हैं जो अर्ली चेक इन की फैसिलिटी देते ही हैं, और अगर तो आप टर्मिनल 1 से डिपार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट डिपार्ट कर सकते हैं, वरना बसेज वगैरह हैं जो T2 या T3 तक लेकर जाती हैं। ये हैं जी लेवल 1 से वाटरफॉल का नज़ारा। दिस इज राइट इन द सेंटर द वाटरफॉल, 5 लेवल से ये नज़र आता है और उसके बाद B1 और B2 से ये ग्लास के बीच से होते हुए पानी नीचे चला जाता है।
तो नाउ वी आर एट लेवल 2, यहाँ पर भी शॉप्स वगैरह, कुछ रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स। यहाँ तो क्लासेस भी चल रही हैं। ये देखें, बच्चों को एयर ड्रॉप करने का तरीका सिखाया जा रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप एयरपोर्ट पे कर सकते हैं। दिस इज़ वो जो नेट वाला सीन है, ये कैनोपी ब्रिज है, एंड देर आर मैनी। वी आर इन टू लेवल 4 और हम एक यहाँ पर एक फ्री स्लाइड की तलाश कर रहा हूँ जो मैंने नेट पे चेक की थी, होपफुली हमें मिल जाए। वाह जी वाह, यहाँ तो बीच एक्टिविटी एयरपोर्ट पे ही हो रही है। लेवल फ्लोर पे ये परफेक्ट स्पॉट है जहाँ पर आपने अगर पिक्चर लेनी है ना ट्रेन के जाते हुए, तो दिस इज द स्पॉट। वट एन अमेजिंग साइट, यू नो, आपको एक जंगल थीम मिलती है, नेचर में आप, टेक्नोलॉजी, ट्रेन यहाँ से जा रही है, एक वाटरफॉल आपके सामने से गिर रहा है विच इज़ वर्ल्ड बिगेस्ट वन। आई मीन चांगी एयरपोर्ट को बगैर किसी वजह से वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट नहीं कहा जाता है, एंड दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द ड्रीम एयरपोर्ट एटलीस्ट फॉर माई। यहाँ पर ये बच्चों की भी ट्रॉलीज हैं। नहीं जी, दैट्स मेनली इट फ्रॉम द जुएल। अब आगे चलते हैं टर्मिनल, अपने टर्मिनल में चलते हैं, या एक दफ़ा टर्मिनल 3 से होकर जाएंगे, आपको यहाँ का एयरपोर्ट एक्सपीरियंस देते हैं चांगी एयरपोर्ट के डिपार्चर का, देन वी विल हेड टूवर्ड्स मलेशिया, कुआलालंपुर का डिपार्चर, वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, एंड देन ऑल द वे फ्रॉम मस्कट टू सलाला। ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा है सिंगापुर का? अमेजिंग कंट्री, अमेजिंग थिंग्स टू डू हेयर। अच्छा भी रहा है, बुरा भी रहा है, जो रोक के रखा हुआ था इन लोगों ने आते सार ही, शायद ओमान की वीज़े की वजह से या जो दूसरे स्टैम्प्स लगे हुए हैं पासपोर्ट्स पे उनकी वजह से आने दिया, वरना अगर मैं पाकिस्तान से आ रहा होता था तो वापस भेजने का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 50-50 चांस था। 1:30 ये शुरू किया था जुएल को एक्सप्लोर करना, और 4:30 कैसे हुए हैं कुछ पता नहीं चला। तो वापस अपना लगेज लेते हैं और अपने गेट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर है इस तरफ टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3, दैट इज जुएल। ये जो राउंड आपको नज़र आ रहा है इसके पीछे ही टर्मिनल 1 है। हमारा गेट है जी, क्या है F36। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है वो, वहाँ से लेके पूरा फ्लोर जो है वो कारपेटेड है, और लाइक यू नो काइंड ऑफ अ VIP एक्सपीरियंस है पूरे एयरपोर्ट पे। Thank you.
तो हम पहुंच गए हैं वापस मलेशिया, जहां से हमारा मेन टूर स्टार्ट हुआ था। इट वाज एन अमेजिंग सोलो टूर। आई मीन मलेशिया कुआलालंपुर से लेकर सिंगापुर, पूरा जो हमें चार पांच तकरीबन सात दिन, चार दिन मलेशिया में, तीन दिन सिंगापुर में, इट हैज़ बीन एक्सेलेंट। सो सोलो ट्रैवल इट उसकी एक अपनी ही एक अलग जो वाइब होती है। बहरहाल हर दफ़ा नहीं हो सकता, लकी टू हैव इट डन। जहाँ वाइब होती है वहाँ पर चैलेंजेस भी होते हैं, मज़ा भी आता है, थोड़ा सा यू नो टफ़ भी रहता है। बड़ी दफ़ा जिसको कहते हैं ना कि आपने अपना खुद ही ख्याल रखना पड़ता है, तो अगेन इट्स अनदर वे ऑफ ट्रैवलिंग। बड़ा प्यारा अराइवल हॉल बनाया हुआ है इन लोगों ने। ये है जी, जी हम लोगों ने जाना है सी पे, सी किधर है वहाँ पर है, ए बी जी सी उस तरफ नज़र आ रहा है। ये मिल गया जी सी 1 to C 37। तकरीबन दो घंटे हैं फ्लाइट में अभी भी, तो एक घंटा देखते हैं यहाँ पर जो ट्रांजिट एरिया है वो कैसा है और हमें क्या एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ का। लें जी ख़वातीन और हज़रात, तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। जहाज़ आ गया है, रेडी है, हम लोग चेक इन हो चुके हैं वेटिंग हॉल में। तो बहुत अच्छा सीज़न रहा मलेशिया एंड सिंगापुर, एक से एक बढ़कर कंट्री है, बड़ी साफ़ सुथरी, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, बड़े अच्छे लोग, बड़ी अच्छी जगह हैं यहाँ पर ऑल टुगेदर। तो उम्मीद है आप लोगों को ने इसको इन्जॉय किया होगा, जो भी जहाँ पर भी हम लोग गए विज़िट किया। और आप जब भी यहाँ पर ट्रैवल करेंगे तो होपफुली ये चीज़ें आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी और आपके जो दिन हैं आप लोग उस हिसाब से प्लान कर सकेंगे। तो जब भी आप इस तरह की कंट्रीज़ में जाके, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाके ट्रैवल करते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है, आपको बुरा भी लगता है। अच्छा तो ऑब्वियस रीज़न्स, इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, स्पेशली मलेशिया बींग अ मुस्लिम कंट्री। लेकिन बुरा इसलिए लगता है कि हम एज अ नेशन इन लोगों से बहुत पहले आज़ाद हुए, इन लोगों से बहुत ज़्यादा टैलेंट है, रिसोर्सेज हैं अपनी कंट्रीज़ में, लोगों में, लेकिन फिर भी हम लोग इनके लेवल तक भी नहीं पहुंच पा रहे जो किसी ज़माने में ये लोग हमारे पीछे हुआ करते थे। नॉट श्योर, क्योंकि हमें एक एज़ अ कॉम भी इकट्ठा होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, जो ऊपर बैठे हुए लीडर्स हैं या जो उनसे भी ऊपर बैठे हुए हैं। आई एम नॉट श्योर कि उनकी थिंकिंग क्या है और वो पाकिस्तान को और आवाम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, बट एज़ अ कॉम, एज एन अवाम, हम लोगों को ख़ुद सोचना चाहिए। और आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगी है किसी भी कॉम की तरक्की में या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि लोग डिसिप्लिन है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा आप तरक्की नहीं कर सकते। तो अगेन कायदे आज़म के रूल, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज़ मस्ट। बहरहाल ये सफ़र सोलो ट्रैवल यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। अ फैमिली ट्रिप इज़ गोइंग टू स्टार्ट, अ रोड ट्रिप गोइंग टू स्टार्ट टू अ वेरी स्पेशल डेस्टिनेशन इसके बाद फॉरेन। तो उम्मीद है वो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी सीरीज़ और आज का स्पेशली वीलॉग बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इट वॉज़ लाइक अ माई ड्रीम एयरपोर्ट जो मैंने देखना था, जुएल, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडोर फाउंटेन है। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड डू कमेंट वट एवर यू लाइक, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, जो कुछ देखना चाहते हैं, जो बेहतर हो सकता है, प्लीज़ डू इट। नेक्स्ट वीलॉग और नेक्स्ट सीरीज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी यहाँ से वापसी का सफ़र आप जो मेरा पहला वीलॉग है इसका, उसको आप रिवर्स करके देख लें, कुछ स्पेशल नहीं होगा। फ़्लाइट है, रात की फ़्लाइट है, सुबह सुबह हम लोगों ने सलाला पहुँचना है, तो नथिंग इन टू स्पेशल। अगर कुछ हुआ तो मैं ज़रूर इसके बाद शेयर कर लूँगा।